हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग हुई थी उनतीस आठ दो हज़ार तेईस को उसमें डिसाइड किया गया है कि एक और स्पेशल चांस दिया जाएगा इन द फेवर ऑफ़ द एलिजिबल स्टूडेंट्स हु इधर कुड नॉट कंप्लीट दियर डिग्री और फेल्ड टू क्वालिफाई दियर एग्जामिनेशन ऑफ बी ए बी एस सी बी कॉम अंडर सेमेस्टर सिस्टम ऑफ रूसा मतलब उन कैंडिडेट्स को ओल्ड रूसा बैच के बी ए बी एस सी बी कॉम वालों को एक और चांस दिया जाएगा अपने एग्जामिनेशन डिग्री पास करने का कौन कौन से सेशन के अकेडमिक सेशन 2013 से 14 2013-14 से लेकर 2017-18 तक के जितने भी सेमेस्टर सिस्टम वाले कैंडिडेट्स हैं एंड अंडर एनुअल सिस्टम ऑफ सी बी सी एस फॉर एकेडमिक सेशन दो हज़ार और ऑनवर्ड्स ठीक है बी सी ए बी एच एम अंडर सेमेस्टर सिस्टम फ्राम 2013 से 14 एंड ओनवर्ड्स अंडर सी बी एस समेस्टर सिस्टम वालों को भी मौका दिया जाएगा जो बी सी ए वगैरह हैं प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं और बी ए बी एस सी बी कॉम वालों को भी सभी को मौका मिलेगा ईयरली सिस्टम वालों को भी और सेमेस्टर सिस्टम वालों को भी ओके okay? जो फीस रहेगी इनकी द फीस फॉर द स्पेशल चांस बी एस सी बी कॉम अंडर सेमेस्टर सिस्टम ऑफ रूसा सी बी एस शैल बी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर सेमेस्टर जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनका पर सेमेस्टर पाँच हज़ार रुपये फीस लगेगी और दस हज़ार रुपये फॉर बी ए बी एस सी बी कॉम एनुअल सिस्टम वालों के लिए दस हज़ार रुपये और प्रोफेशनल कोर्सेज़ वालों के लिए जैसे बी सी ए बी एच एम है उनके लिए बीस हज़ार पर सेमेस्टर फीस रहेगी अब पर सेमेस्टर जो है इसका मतलब है कि आपको एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम भरने के लिए इतने पैसे लगेंगे जितना मैंने यहाँ पे बताया पाँच हज़ार दस हज़ार या बीस हज़ार अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री ठीक है तो चा चाहे एक सेमेस्टर में आपका एक एक रीअपीयर है चाहे दो है आपके फीस जो है ये सेम रहेगी बीस हज़ार पर सेमेस्टर अगर आपकी तीन सेमेस्टर में तीन रीअपियर हैं तो आपके अलग अलग सेमेस्टर में है अगर तो आपको अलग अलग ये डिवाइड हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जि, जितने अमाउंट से जितने भी आपके सेमेस्टर में एग्जामिनेशन होंगे ठीक है और जो एग्जामिनेशन होंगे इनके द एग्जामिनेशन ऑफ एनुअल सिस्टम शेल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 एंड द सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में भी हो सकते हैं 2023 के ओके okay? इस मंथ इस दो अग जो अगला वाला आने वाला अक्टूबर मंथ है इसमें होंगे फाइनल ईयर वालों के मतलब जो इनका ईयरली सिस्टम है और ये जो ये जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं इनके नवंबर में भी हो सकते हैं वैसे तो अक्टूबर में भी तैयार रहिएगा ठीक है एंड ऑड सेमेस्टर वालों के जिनके एक तीन पाँच सात ऐसे सेमेस्टर हैं सात वाले तो नहीं हैं तीन साल की डिग्री है मैक्सिमम की तो जिनकी ऑड सिस्टम है जैसे तीन एक तीन पाँच सेमेस्टर है जिनका तो उनके होंगे अप्रैल या मार्च में ठीक है सॉरी अप्रैल या मई में, में होंगे दो में और जिनके दूसरे चौथे सेमेस्टर के हैं उनके भी नवंबर या अक्टूबर में हो जाएंगे और ईअरली सिस्टम वाले के तो अक्टूबर में ही होंगे ये उन्होंने क्लियर कर दिया है ओके तो इसको एग्जामिनेशन भरने का शेड्यूल भी आ जाएगा जल्दी ही नोटिफिकेशन है ये तेईस सेप्टेम्बर की ओके तो अगर कोई और अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग तो मैं अपडेट कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर किसी का ये भी रहा है किसी की डिग्री लटकी हुई है थैंक यू सो मच हैवे नेस्ट